दोष से बना हुआ है, इसी के अंदर गुण है, इसी के अंदर दोष है। अंतर सिर्फ इतना है, किसी के अंदर गुण ज्यादा होते हैं, दोष कम होते हैं। अगर गुण ज्यादा है दोष कम है तो याद रखना वो महात्मा है, क्योंकि थोड़े बहुत दोष हैं, बाकी गुण ही गुण है, गुण ज्यादा है। इसलिए तो संतों के प्रति तुम श्रद्धा रखते हो, संतों का वंदन अभिनंदन करते हो, उनकी स्तुति स्तवन करते हो, इसलिए करते हो क्योंकि उनके अंदर गुण ज्यादा पाए जाते हैं। लेकिन गुण और दोष बराबर हैं, याद रखना वो इंसान है, जीवात्मा। लेकिन यदि गुण ना हो, दोष ही दोष हो और जगत में रहता है, तो याद रखना उसको इंसान नहीं माना जाएगा, जिसमें गुण ही गुण एक भी नहीं है, दोष ही दोष भरे पड़े हैं। शायद एकाध कोई गुण दिखाई दे जाए अलग बात है, लेकिन दोष ही दोष दिखाई दे रहे हैं, तो याद रखना इंसान नहीं है, वो हैवान है, वही शैतान है, जिसके अंदर अवगुण पाए जाते हैं, जिसके अंदर दोष पाए जाते हैं, वही है हैवान, वही है शैतान। तीन प्रकार के प्राणी हैं संसार में, और मैं कहूंगा तो आप विश्वास कर लोगे, अनुभव हो जाएगा आपको, आपने अनुभव किया होगा, विश्वास हो जाएगा आपको। तीन प्रकार के प्राणी हैं, जो तीन प्रकार की सोच रखे, उन तीन सोचों में एक कोई सोच हो तो सोच से पता चल जाता है किस प्रकार का प्राणी है। एक प्राणी तो वो है जो ये सोचता है कि मैं तुम्हारा मददगार हूं, चिंता मत करना, तेरे पास जो है वो तो तेरा है ही, लेकिन आवश्यकता पड़ जाए तो मेरा भी तेरा है। भाई तेरा तो तेरा है ही, लेकिन यदि तुझे आवश्यकता पड़ जाए तो चिंता मत करना, मेरा भी तेरा है, मैं तेरी हर आवश्यकता की पूर्ति करूंगा, सहयोग करूंगा तेरा। बोलो उत्तम प्रकार की सोच रखने वाला प्राणी है कि नहीं, जो इस प्रकार से सोच रहा है, ये उत्तम प्राणी के लक्षण है। अच्छा, मध्यम प्राणी के लक्षण क्या है? मध्यम प्राणी के लक्षण है कि तेरा तेरा और मेरा मेरा, तेरा तेरा है भैया, मेरा मेरा है, तुम भी खुश रहो हम भी खुश रहे, अपना अपना काम। ये मध्यम प्रकार का प्राणी है, मध्यम सोच रखने वाला प्राणी। लेकिन एक प्राणी संसार में ऐसा है जो निकृष्ट है। निकृष्ट कौन है? उत्तम प्रकार का प्राणी तो ये कहता है कि तेरा तेरा है, मेरा भी तेरा है। मध्यम प्रकार का प्राणी कहता है तेरा तेरा मेरा मेरा, लेकिन निकृष्ट प्राणी होता है वो कहता है कि मेरा तो मेरा है और तेरा भी मेरा है। बोलो है वो निकृष्ट कि नहीं? सबसे बड़ा निकृष्ट प्राणी है। इसलिए सोच अच्छी होनी चाहिए, हम इस जगत में आए हैं, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। मैं एक बात कहता हूं, भगवान राम का अवतार अयोध्या में हुआ, और अयोध्या में भी इक्ष्वाकु वंश, सूर्य वंश में, रघुवंश में भगवान का अवतरण हुआ है। क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है कि उस वंश की सोच अच्छी है। समझ गए हो कि नहीं? अवतरण इसलिए हुआ है, अवतार इक्ष्वाकु वंश में, सूर वंश में इसलिए हुआ क्योंकि उस वंश की सोच अच्छी है, उत्कृष्ट सोच है,
सर्वस दान दीन सब काहू जिन पावा राखा नहीं ताऊ। सर्वस दान दीन, बोलो कितनी अच्छी सोच है। इसलिए इस पवित्र सोच के कारण, उत्कृष्ट सोच के कारण भगवान अयोध्या में अवतरित हुए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, यदि तुम्हारी सोच अच्छी हो जाए, परोपकार करने की भावना तुम्हारे अंदर आ जावे, सभी के साथ सहयोग करने की भावना तुम्हारे अंदर आ जावे, दान पुण्य धर्म सत्कर्म करने की भावना अगर तुम्हारे अंदर आ जावे, तो तुम्हारी संतान भी इंसान के रूप में नहीं भगवान के रूप में पहचानी जाएगी, ये विश्वास कर लेना। इंसान के रूप में नहीं भगवान के रूप में लोग पूजा करेंगे। अच्छा बोलो भाई, इसी सोच का परिणाम आपको दिखाई दे रहा है कि मौनी बाबा श्री शोभानंद भारती जी के माता पिता की सोच पवित्र थी, इसलिए ये पुत्र इतना महान बनकर के प्रकट हो गया है कि आज ये समरसता महाकुंभ का दृश्य आपको जो दिखाई दे रहा है, सारा विश्व देख रहा है। इसे अद्भुत है, अद्वितीय है, ये त्याग की पराकाष्ठा है। शरीर इंसान का है लेकिन विचार भगवान के, बोलो है कि नहीं। शरीर तो इंसान का है लेकिन विचार भगवान के हैं। इसलिए याद रखना, शरीर की पूजा नहीं होती है, विचारों की पूजा होती है। शरीर का सम्मान नहीं होता है, विचारों का सम्मान होता है। जो जितनी अच्छी विचारधारा लेकर के समाज में रहता है, उसका उतना ही बड़ा सम्मान होता है। इसलिए सुंदर विचारधारा होनी चाहिए। तो पार्वती मैया को ये शंका हो रही है कि सती नाम लिया। एक सती की कथा मैं सुना रहा हूं, मान सती की कथा सुना रहा हूं, तो मेरा ही चरित्र तो नहीं दोहराना चाहते हैं, क्योंकि पार्वती जी पूर्व जन्म में क्या थी बोलो भाई, सती थी। सती की नहीं। अच्छा जरा 5 मिनट के लिए हम विचार करें कि ये जो सती शब्द आया, ये सती शब्द सुनकर के हमारे अंतःकरण में निश्चित रूप से श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि सती शब्द सुनते ही श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। मैं कहता हूं, पूरी दुनिया में अगर बड़ी से बड़ी सतियां हुई हैं, तो वो राजस्थान की भूमि पर हुई हैं प्यारे। ये सतियों का इतिहास बना है राजस्थान में। याद रखना, जो पतिव्रताएं होती हैं वही सतियां होती हैं। कोई साधारण नारी सती नहीं होती है, जो महान पतिव्रता होती है वही सती होती है। इसलिए राजस्थान की देवियों में सतीत्व तो है, पतिव्र धर्म है, पति के प्रति मन वचन कर्म से समर्पण है। इसलिए सबसे बड़ा इतिहास अगर बना है पूरे विश्व में, तो राजस्थान का बना है, सतियों में राजस्थान का बना। आज राजस्थान की भूमि पर ही यह समरसता महाकुंभ हो रहा है। ये जावली धाम छोटा सा गांव धाम बन गया है। ये तहसील लक्ष्मणगढ़, आज लक्ष्मणगढ़ सार्थक हो गया, लक्ष्मण नाम सार्थक हो गया है समरसता कुंभ के कारण, समरसता महाकुंभ के कारण लक्ष्मणगढ़ का लक्ष्मण नाम सार्थक हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? नहीं तो ऐसे लक्ष्मणगढ़ कहने से क्या फायदा कि कोई अच्छे काम ना हो फिर काय का लक्ष्मणगढ़। बोलो भाई, जैसा नाम है वैसा ही काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा सही बताओ, लक्ष्मण नाम किसका है? भगवान राम के छोटे भाई का नाम क्या है? जल्दी बोलो, लक्ष्मण। लक्ष्मण जी के नाम से गढ़ है, लक्ष्मण गढ़ तहसील,
ग्राम जावली। बोलो भाई। लेकिन आज मैं कहता हूं, सत्य कह रहा हूं आपसे, ये जावली जावली नहीं है, जावली धाम बन गया। और लक्ष्मणगढ़ केवल तहसील लक्ष्मणगढ़ नहीं है, ये लक्ष्मणगढ़ आज विश्व वंदनीय हो गया, क्योंकि लक्ष्मणगढ़ तहसील में ये कार्यक्रम हो रहा है। आज सार्थक हो गया है ना। अरे धन तो बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन कमा कमा करके अगर घर के अंदर रख रहे हैं और उनका कहीं कोई ऐसा सामाजिक और परोपकार और धार्मिक प्रकल्प, सेवा प्रकल्प उस धन के द्वारा नहीं चलाए जा रहे हैं, आध्यात्मिक आयोजनों में कोई सहयोग और सहभागिता नहीं है, तो याद रखना वो धन धन भले ही धन बना रहे, लेकिन धन की सार्थकता नहीं होगी। धन की सार्थकता तो आज सिद्ध हो गई है, आज सिद्ध हो गई है। और मैं सत्य कह रहा हूं आपसे, चाहे मुंबई में कोई उद्योगपति रहता हो, चाहे कलकत्ता में कोई उद्योगपति रहता हो, चाहे दिल्ली में कोई उद्योगपति रहता हो, और चाहे चेन्नई में कोई उद्योगपति रहता हो, बड़े बड़े महानगरों में कोई उद्योगपति रहता हो, लेकिन आज मैं कहता हूं, किसान भाइयों, तुमने समरसता महाकुंभ में तन मन धन से दान दे करके आज तुमने धन की सार्थकता सिद्ध कर ली है। आज तुमसे बड़ा धनी कोई दुनिया में नहीं है, तुमसे बड़ा धनी आज कोई दुनिया में नहीं है। क्यों? क्योंकि आज तुमने यज्ञ में अपनी सहभागिता दर्ज कराई। और याद रखना 2100 कुंडी ये यज्ञ है, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल लो और यज्ञ की वेदी पर बैठ करके अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। यज्ञ की वेदी पर बैठकर भगवान के चरणों में अपना समर्पण कर लो, ये बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है आपको। इससे बढ़िया स्वर्णिम काल कभी कभी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि शोभानंद भारती मौनी जी के द्वारा मिल रहा है, वो आगे भी मिलेगा, तो इन्हीं के द्वारा आपको ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए तुम्हारा धन आज धन धन हो गया। धन क्या हो गया? धन धन हो गया। और मीराबाई ने, राजस्थान की मीराबाई ने ही धन को धन धन किया था। बोलो किया था कि नहीं? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन। इस धन को राम के चरणों में समर्पित कर दो तो वो तुम्हारा धन राम रतन धन हो जाएगा प्यारे। इसलिए ये धन को राम जी के चरणों में समर्पित कर दो, भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दो, रुद्र महायज्ञ के चरणों में समर्पित कर दो और समरसता महाकुंभ के लिए समर्पित कर दो। ये तुम्हारा धन क्या हो जाएगा? राम रतन धन, राम रतन धन हो जाएगा। आइए, सती शब्द निकला मुख से, आश्चर्यचकित हो गई, सोचने लगी पार्वती मैया कि हो सकता है कि मेरे पूर्व जन्म की बात कहने वाले हों। बोले बाबा शर्मिंदित होना पड़ेगा मुझे। क्यों?
क्योंकि पहले जो मेरी जिंदगी थी वो जिंदगी संशय की जिंदगी थी। पहले जो जीवन था वो संशय का जीवन था, लेकिन अब जो जीवन है वो श्रद्धा का जीवन है। याद रखना, संशय का जीवन कभी जीना नहीं चाहिए, हमेशा श्रद्धा का जीवन जीना चाहिए। जीवन के साथ संशय ना जुड़ा हो, जीवन के साथ श्रद्धा जुड़ी होनी चाहिए। अगर संशय होता तो ईमानदारी से बताओ यज्ञ का आयोजन होता, समरसता महाकुंभ हो पाता? जल्दी बताओ। संशय अगर होता तो याद रखना इतना बड़ा आयोजन नहीं होता। लेकिन आज मुझे विश्वास है कि आप सबके जीवन में श्रद्धा है, इसलिए इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और बड़ी दिव्यता भव्यता के साथ ये महाकुंभ हो रहा है श्रद्धा के कारण। लेकिन सती जी के मन में संशय था। भगवान शंकर पति के रूप में तो मिल गए थे, लेकिन संशय दूर नहीं हुआ। अच्छा भैया, विश्वास करना मेरी बात पर, जरा यकीन करना, और नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं कहूंगा तो आपके अंतःकरण में मेरी बात पहुंच जाएगी और आप कहोगे स्वामी जी ठीक कह रहे हैं आप जगतगुरु जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कहीं बिल्कुल किंचित मात्र भी इसमें असत्यता नहीं। आज वर्तमान में, ये तो मैं उदाहरण आपको त्रेता का दे रहा हूं, लेकिन कलयुग में वर्तमान में भी हालात कितने खराब चल रहे हैं। मैं त्रेता की बात बता रहा हूं, त्रेता में संशय, और वो भी भगवान शंकर जैसे पति को प्राप्त करने के बाद यदि पत्नी में संशय है, सती जी में संशय है, तो बोलो ये दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है? दुर्भाग्य। लेकिन संशय की जिंदगी है कैसे के एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। कुंभज ऋषि एक बहुत अच्छे संत हैं। कुंभज ऋषि हमारे यहां दो की विशेषता है, कृषि और ऋषि। बोलो सबसे ज्यादा कृषि भारत में और सबसे ज्यादा ऋषि भारत में। बोलो भाई, इतनी बड़ी कृषि कहीं है ही नहीं भारत जितनी। सबसे बड़ा कृषि वाला क्षेत्र है भारत और सबसे बड़ा ऋषि वाला क्षेत्र है भारत। यहां दो संस्कृतियां प्रमुख हैं, कृषि संस्कृति और ऋषि संस्कृति, और दोनों में बड़ा समन्वय है प्यारे। कैसे कि आप सब जितने भी बैठे हो नीचे, वो सब कृषि संस्कृति है, और मंच पर हम सब जो है ऋषि संस्कृति हैं। ऋषि संस्कृति, बोलो कृषि और ऋषि संस्कृति का समन्वय है कि नहीं? समन्वय ये भारत में ही देखने को मिलेगा।